गुड मॉर्निंग जय मुरलीधर। तो आज ये रेत है वो ऊपर चढ़ाने वाले हैं अगासी में। ये बोरा है, इसमें दोनों तरफ रस्सी बांध दी, देखिए, और इस टाइप का कर दिया उस तरफ भी, और वो रही रस्सी। तो ये दो चीज से ये वाली रेत पहुंचाएंगे वहां ऊपर में। अगासी पर आ गए हैं अभी, तो यहाँ पर जो भी था वो भी निकाल दिया। ये देखो यहाँ पर कल दिखाया था मैंने आपको, वो भी सारा निकल दिया है। अब ये थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, वो इस तरीके के डिगली की हुई है सभी में, देखो निकल गया कंप्लीट। तो अभी वहाँ पर रेत है वो ऊपर चढ़ाएंगे, वो मैंने दिखाया ना उससे। तो ये साफ भी कर दे रहे हैं, देखिए अभी ये सारा उसमें भर रहे हैं टब में छोटे से, ये सारी डिगलियां, और फिर वो यहाँ पर नीचे दे रहे हैं पापा को। इससे नीचे पहुंचा दिया है, अभी वो भी भर चुका है, चलो इसे भी वापस करेंगे। से नीचे पहुंचा रहे हैं, इसी तरीके से ऊपर भी रेत पहुंचाएंगे। तो ऐसे रेत पहुंचाएंगे तो यहां पर रेत डालते जाएंगे, वहां पर डल गए एक गलती से, वो भी अभी चल ही रहा है, दोनों स्टार्ट है, एक दो दो काम एक साथ कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखो बाइकें पड़ी है दो, और खाद की बोरी वहां पड़ी है, तो करसन चाचा खाद डालने लग गए वहां पर, देखो ये देखो। तो थोड़ा सा ही छोटा सा ही खेत है, इसलिए हाथों से ही लग गई। यहाँ पर साइकिल पड़ी हुई है, विमल की तो नहीं है, कौन आया है वो देखो, कल आए थे ना नियमित भाई, वो आया है, ये देखो। तो बैठे बैठे देख रहा है हम लोग क्या कुछ काम कर रहे हैं ना वो, और एंजॉय कर रहा है। चलो अभी वापस खींचने लग जाते हैं। रेत क्यों चढ़ाई, क्योंकि वहां पर ये बेले दिख रहे ना, वो एक लाइन करनी है। यहाँ पर कैसे लाइन है, तीन बेलों की, तीन पत्थरों की, डंगड़ाओं की, जो भी बोलो, तो ये एक कैसे है इतना ऊपर करना है, ये खाली है ना आगे का उसमें, इसलिए ये रेत डाली हुई है, वरना ठेका दिया हुआ है हम लोग ने, तो ये वाटर प्रूफिंग का, तो उसके लिए हमें रेत नहीं डालनी पड़ती है। लेकिन ये एक थर लेना है ना, इसलिए ये कुछ ये रेत इसलिए यहाँ पर डाली है, ये रीजन था। आप लोग सोचोगे ठेका दिया हुआ है फिर भी क्यों रेत डाल रहे थे, तो उसका रीजन ये है, एक दो दिन में कड़ी आएगा, तो यहाँ से ये बेले दिख रहे ना, वो एक लाइन लग जाएगी, और यहाँ पर देखो इस तरीके का है, वो भी पूरा फिल करेंगे, वो तो हम ही कर लेंगे। ये टैंक खोल दिया है, अब यहाँ से पानी की जरूरत पड़ेगी तो पानी इसमें से भरते जाएंगे। तो टैंक कितना भरा है बहना, यहाँ तक देखो आधे से ज्यादा, रेत और सीमेंट मिक्स करेंगे। उसके बाद ये देख रहे हो ना, जहाँ पर भी खाचे खाचे लगे हुए हैं, देखो यहाँ कैसे समतल है, और इस तरफ थोड़ा सा ढलाव टाइप का है, और कहीं कहीं पर इस तरीके के गड्ढे हैं। तो ये कंप्लीट फुल फिल करेंगे सीमेंट और रेत का मिश्रण करके, तो मिक्स कर रहा है रेत और सीमेंट, देखिए इसमें मीठी रेती लगी हुई है और नमकीन रेती भी है साथ में।
तो दोनों का मिश्रण किया हुआ। ये सिर्फ नमकीन रेत ही है, देखो ये समुंदर की रेत है तो ये नमकीन होती है, और ये जो कंक्रीट टाइप की है ऐसी देखो तो ये नदियों में होती है, खेत में से पत्थर वगैरह छोटे छोटे बारिश के टाइम पर जाते हैं और नदी में जमा होते हैं, तो ये वो वाली रेत है मीठी रेत, ये है नमकीन रेत। तो अभी ये मिक्स भी हो गया, इसमें पानी डालेंगे और फटाफट स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर। तो अब कंप्लीट हो गया है काम, देखो यहाँ से वहाँ तक की पूरी बॉर्डर में लगा दिया है। अब वहाँ पर बेला डंगना पत्थर जो भी बोलो वो भी यहाँ से एक लाइन लगेगी, तो वो भी दो तीन दिन के बाद शायद हो जाएगा। उसके बाद वाटर प्रूफिंग में तो बहुत टाइम लगेगा, देखेंगे वो भी कब आते हैं। जॉब पर चला गया था, अभी मम्मी देखिए बफेलो का मिल्क निकाल रहे है, और वहाँ हमने जो कुछ किया यहाँ पर यहाँ फिनिशिंग ली, तो वहाँ पर सीमेंट और रेत का मिश्रण बच गया था तो उसे यहाँ पर डाल दिया, देखिए ताकि यहाँ से पानी वगैरह जाए तो वो सीधा यहाँ से चला जाए। यहाँ पर लकड़ियाँ डाल दी है, देखिए पूरी बिछा दी, वहाँ घर के पीछे थी तो वहाँ से उठाकर यहाँ डाल दी। तो फार्मर्स को तो ऐसा चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ काम ये यहाँ पड़ा है वहाँ डाल देंगे, वहाँ से यहाँ डाल देंगे, वैसे ही चलता रहता है। तो अभी देखो विजुअल इफेक्ट आ रहा है, ये देखो ये देखो आ रहा है ना विजुअल इफेक्ट। तो वहां पर आग लगाई है। तो आज का वीडियो आग तक ही रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, बाय बाय।